हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग बुक में। आई होप कि जो कल मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था गेन उसे एक्स ला, वो आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने चले कंसंट्रेशन यूनिट्स। उसमें देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है, जब हम अपनी रियल लाइफ में सोल्यूशन बनाते हैं तो आप देखते हैं एक होता है नोन सोल्यूशन, ठीक है, और एक होता है अननोन सोल्यूशन। क्वेश्चन ये उठता है कि डियर स्टूडेंट्स की नोन सोल्यूशन क्या होता है। जैसे हम कहते हैं कि इसमें इतना ग्राम पर लीटर सुगर डिसॉल्व है वाटर में, मतलब कि उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको पहले से पता है। तो ऐसा सोल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन आपको पहले से पता होता है उसको क्या बोलते हैं, नोन सोल्यूशन। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आपसे कोई बोले कि सर अननोन सोल्यूशन या स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है, द सोल्यूशन विच कंसंट्रेशन इज नोन ऑलरेडी फ्रॉम प्रीवियस, है ना, पहले से ही आपको पता है। तो ऐसे सोल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर पता है तो उसे क्या बोलेंगे, नोन सोल्यूशन। और ऐसा सोल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन पहले से पता नहीं है उसे क्या बोलते हैं, अननोन सोल्यूशन। तो क्वेश्चन ये उठता है कि पता कैसे करेंगे। तो अननोन सोल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, टाइट्रेशन। अननोन सोल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसका नाम है डियर स्टूडेंट्स टाइट्रेशन। और ये जो टॉपिक है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जानते रहिए कि आपको एक अननोन सोल्यूशन दिया गया है और उसका कंसंट्रेशन अगर पता करना है तो हम कैसे पता करते हैं, बाय द मेथड नोन एज टाइट्रेशन। तो नोन और अननोन सोल्यूशन के बारे में आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं मास परसेंटेज, या मास परसेंटेज जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, स्टार्ट करिए, बताया था ना आपको, आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है, ये क्लास नाइन्थ में आई होप कि पढ़ के आए हैं। मास परसेंट को आप ऐसे भी कर सकते हैं परसेंट बाई मास, क्या कहते हैं, परसेंट बाई मास, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज से। इसे रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मतलब मास बाई मास से है, और इसीलिए इस मास परसेंटेज को वेट परसेंटेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेट परसेंटेज भी कहते हैं, क्लियर। अब इस होता क्या है, मान लीजिए एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है ए बी, क्या है ए बी, जहां पे ए जो है वो सोल्यूट है और बी क्या है, सॉल्वेंट है। ए सोल्यूट है और बी क्या है, सॉल्वेंट है। तो अगर आपसे कहा जाए कि मास परसेंट बताइए सोल्यूट का या सॉल्वेंट का, या परसेंट बाय मास बताइए, परसेंट बाय मास इज डिफाइंड एज एज द मास ऑफ सोल्यूट आर सॉल्वेंट डिजॉल्विंग 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां परसेंटेज की बात है तो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कितना लेंगे हमेशा, 100 ग्राम लेंगे डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। तो अगर पूछे परसेंट बाय मास क्या होता है, परसेंट बाय मास इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो मुझसे कोई पूछे परसेंट बाय मास ऑफ सोल्यूट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, तो आप मैं बोलूंगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या हो जाएगा 100, या इसी को आप ले सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ क्या सोल्यूशन इनटू 100। 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे परसेंटेज है, क्लियर है। तो परसेंट बाय मास का फार्मूला को पता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, या फिर उसी को आप कह सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसकी यूनिट क्या होगी। क्या क्वेश्चन है कि सर इसकी यूनिट क्या होगी, तो जरा बताइए। यहां भी मास है और यहां भी मास है, तो मास और मास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसकी जो होती है नो यूनिट। तो हम जितनी भी कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन टॉपिक्स पढ़ेंगे, उन टॉपिक्स में डिफिनीशन पढ़ेंगे, फार्मूला पढ़ेंगे, उनकी यूनिट क्या होती है और उन पे टेम्परेचर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इतना चीजें पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नो यूनिट क्लियर। अगला पॉइंट आता है कि इस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। भाई टेम्परेचर आप घटाओ या बढ़ाओ उसका मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो टेम्परेचर हैज नो एनी इफेक्ट। टेम्परेचर हैज नो एनी इफेक्ट मास परसेंटेज पे या परसेंट बाय मास पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो मास परसेंटेज क्या होता है, ये क्लियर हो गया। इसको किससे डिफाइन करते हैं, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू के लिखा हो इसका मतलब समझ जाएंगे कि परसेंट बाय मास लिखा है। मैंने बोला कि ए बी सॉल्वेंट है, अगर मुझसे कोई पूछे कि परसेंट बाय मास ऑफ ए क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, मैं बोलूंगा वेट ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू 100। ये तो बताऊंगा भैया, क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट। तो ये इसका फार्मूला हो गया, यूनिट हो गई, डिफिनीशन हो गई। इसकी यूनिट कोई नहीं होती, यूनिट क्यों नहीं होती, क्योंकि मास बाय मास है, इस पर टेम्परेचर इफेक्ट नहीं पड़ता। टेम्परेचर पर कभी भी किसका इफेक्ट नहीं पड़ता, वॉल्यूम का इफेक्ट, टेम्परेचर पे कभी भी मास टेम्परेचर कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो यहां खत्म हो गया पॉइंट, परसेंट बाय मास की बात किए, तो यहां से आपको परसेंट बाय मास का फार्मूला का क्लियर हो गया होगा, उसकी यूनिट क्लियर हो गई, उसका टेम्परेचर का इफेक्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यही मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर परसेंट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट होता तब क्या करते, यहां पर क्या करते, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब कहीं सर ये प्लस क्यों किए हैं, भैया मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के ही तो क्या बनाता है, आपका मास ऑफ सॉल्यूशन बनाता है। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आप क्वेश्चन और बताओ उस पर। अब आपसे क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, कहीं लिखा है 20% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू NaCl, इसका क्या मतलब, एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं तो ऐसे पॉइंट लिख देता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए। इसका मतलब है कि 20 ग्राम NaCl डिसॉल्व है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सोच लीजिए, इतनी सी बात कह करके वो तीन डाटा आपको दे रखा है, क्या क्या जानते हैं। पहला तो आपको दे रखा है मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना, 20 ग्राम। 100 ग्राम क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इज 100 माइनस 20 दैट इज 80 ग्राम। तो इतना सा डाटा अगर कहीं दिया है, इसका मतलब वो आपको कितनी वैल्यूज दे रखा है, तीन वैल्यूज दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है और मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स न्यूमेरिकल के एक्सपर्ट्स के लिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल जहां भी आएंगे ऐसी वैल्यू दी होगी। तो कहीं लिखा हुआ 10% बाय मास HCl, तो क्या मतलब है कि 10 ग्राम ऑफ HCl डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10 दैट इज 90। क्लियर, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इस पर एक क्वेश्चन करते आइए, क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना भाई। चलिए आपसे क्वेश्चन है कि 20 ग्राम NaOH इज डिसॉल्विंग 80 ग्राम ऑफ वाटर, देन कैलकुलेट परसेंट बाय मास ऑफ NaOH। ये आपसे क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है सर, कोई बात नहीं है कि परसेंट बाय मास ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, मास ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH
अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब जरा बताइए सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है डियर स्टूडेंट, यही गलती होगी लोगों की। तो सॉल्यूट कितना है यहां पे 20 और सॉल्वेंट कितना है यहां पे 80। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इनटू 100 ये हो जाएगा। तो जरा बताइए मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा 20 + 80 दैट इज 100। तो क्या हो गया ग्राम। तो मास ऑफ एनएमएस कितना हो गया 20 दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 × 100 कैंसिल हो गया, बचा कितना 20% बाई मास एनएमएस प्रेजेंट है या नहीं है। अगर यही कहता कि परसेंट मास ऑफ एनएमएस वाटर निकालिए तो क्या होता परसेंट बाई मास ऑफ वाटर, तो क्या निकालते हैं वाटर का कितना है मास यहां पर 80 अपॉन कितना है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 × 100 दैट इज 80%। क्वेश्चन कर लेंगे इस पे। कभी कभी क्या होता है कि परसेंट बाई मास देता है मास ऑफ सॉल्यूट देता है ये पूछ लेता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन आप इजी वोइंग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन कुछ भी घुमा के पूछेगा कर लेंगे, करने का प्रयास करेंगे। आप परेशान होइए, मैं न्यूमेरिकल ये लास्ट होता है उसके बाद मैं न्यूमेरिकल देता हूं। तो परसेंट बाई मास आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आइए हाँ, इसका डे लाइफ यूज कहां होता है, इस यूनिट का, इस कंसंट्रेशन यूनिट का यूज फार्मा इंडस्ट्रीज में एंड मेडिसिनल इंडस्ट्रीज में करते हैं। आप जितनी भी दवाइयां खाते हैं टैबलेट के पीछे जरा सा आज देखिएगा, अगर आपके पास घर में कोई टैबलेट है तो टैबलेट के पीछे देखिए लिखा हुआ मिलेगा परसेंट डब्ल्यू बाई वी। तो इसको जरूर देखिएगा तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इससे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। अगला मास परसेंट का जो हमारा क्वेश्चन फंसता है या टॉपिक आता है वो आता है मास, जब आप इसका नोट्स बनाइएगा तो ध्यान रखिएगा, यूनिट लिखिएगा, डिफिनीशन लिखिएगा, डिफिनीशन के बाद फार्मूला लिखिएगा, फार्मूला के बाद कंसंट्रेशन यूनिट, यूनिट क्या आई, यूनिट पे कोई यूनिट आ रही है नहीं आ रही है, टेम्परेचर क्या इफेक्ट हो रहा है, इतना पॉइंट जरूर लिखिएगा। और उसका वो जो इसमें बताया कि 10% का मतलब क्या होता है, क्लियर जरूर लिखिएगा। अगला है मास मास परसेंट बाई वॉल्यूम, मास परसेंट बाई वॉल्यूम को डियर स्टूडेंट डिपेंड करते हैं डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज से, किसे डिपेंड करते हैं डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज से। तो आइए यहां पे बात करते हैं। अब यहां का मतलब क्या है, डब्ल्यू इज द मास एंड वी इज द वॉल्यूम, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो सपोज दैट एक सोल्यूशन है जिसमें कि ए बी कंपोनेंट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मास परसेंट बाई वॉल्यूम ऑफ ए क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ मास क्या है वॉल्यूम ऑफ, यहां पे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन इनटू 100। तो मैं पूछूं कि डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे, देखिए डेफिनेशन रट्टा नहीं मार रही है, यही है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसॉल्विंग पर 100 ml ऑफ, कितने ml में, पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंट बाई वॉल्यूम। क्या बोला फिर से बोल लीजिए, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसॉल्विंग पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंट बाई वॉल्यूम, क्लियर है। मास परसेंट बाई वॉल्यूम ऑफ ए हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए, तो इसका ऐसे मास परसेंट बाई वॉल्यूम ऑफ बी क्या हो जाएगा, मास ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा कहीं ये लिखा हुआ है कि 10% NaOH W बाई बी, तो इसका क्या मतलब समझेंगे आप जल्दी से बताइए, इसका मतलब क्या समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे कि सर 10 ग्राम NaOH डिजॉल्विंग 100 ml ऑफ सॉल्यूशन W बाई बी लिखा होगा, ध्यान रखिएगा केवल आपको दो चीजें दी हुई हैं, एक
मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। डियर स्टूडेंट्स क्या दे रखा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। तो मास परसेंट बाय वॉल्यूम को डिफाइन कर लेंगे। क्या डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन क्योंकि यहां पे परसेंटेज है तो वहां पे गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या करेंगे? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट डिसॉल्व इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंट बाय वॉल्यूम। और 10% ग्रोवे भी लिखा है। क्या लिखेंगे? इसका मतलब कि 10 ग्राम ऑफ एनिवे डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये डाटा कहीं लिखा है WIV के रिस्पेक्ट में तो दो चीजें दी हैं, और WW के रिस्पेक्ट में लिखा था तो तीन चीजें दी थी। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है कि इसकी यूनिट क्या होगी सर, है कि नहीं? तो आइए देखते हैं। मास ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां देखिए मास और यहां वॉल्यूम है तो यूनिट क्या होगी? डियर स्टूडेंट्स अपने आप आपके सामने है, यूनिट हो जाएगी ग्राम पर ml, या फिर आप इसी को कह सकते हैं ग्राम पर लीटर में भी रिटर्न कर सकते हैं, है कि नहीं? ग्राम पर ml लिख लीजिए या फिर क्या यूज कर लीजिए, ग्राम पर लीटर भी यूज कर सकते हैं। ग्राम पर ml लिखिए या ग्राम पर लीटर यूज करें। तो यूनिट ग्राम पर लीटर या ग्राम पर ml हो गई, कोई प्रॉब्लम? चलिए तो यूनिट क्लियर हो गई। अब टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे पानी गर्म करते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? वो वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ता है, बढ़ता नहीं बढ़ता है? और वॉल्यूम यहाँ डिनोमिनेटर में, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मास परसेंट बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा? घट जाएगा या नहीं घट जाएगा? तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। वेपर पे कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है? तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मास परसेंट बाय वॉल्यूम दैट इज डब्ल्यू बाय वी परसेंटेज क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मतलब अगर मैं ये डिब्बा यहाँ पे रखा हूँ बस्ती में और एक डिब्बा शिमला भेज रहा हूँ और दोनों का परसेंटेज जो कंपोजिशन है वो डब्ल्यू बाई वी के रिस्पेक्ट में है, तो वहां सामान पहुंचते पहुंचते उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा भाई? टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, यहाँ टेम्परेचर कुछ और है, वहां टेम्परेचर कुछ और है। तो इसीलिए दवाइयां जो होती हैं लिखी रहता है, उस पर लिखा रहता है प्लीज प्लेस इन ड्राई एंड कूल प्लेस, प्लीज प्लेस इट ड्राई एंड कूल प्लेस। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। हर मेडिसिन पे लिखा होता है कि इसका टेम्परेचर इतने टेम्परेचर के बिलो मत रखिएगा, इतने टेम्परेचर तक ही रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज का मतलब क्या होता है ये क्लियर हो गया, डेफिनेशन क्या होती है ये क्लियर हो गई, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम क्यों बढ़ेगा? सिंपल सी बात है, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। वाटर को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसके मॉलिक्यूल्स वेपराइज होंगे, वेपराइज होंगे तो वॉल्यूम जो इतना था वो वॉल्यूम इतना होगा। तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ा तो ये देखिए डिनोमिनेटर में है तो रेसिप्रोकल हुए तो मास परसेंट बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसीलिए दवाइयाँ पैक करते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। जितने भी सिरप आते हैं, कफ सिरप आते हैं, वहाँ देखिए डब्ल्यू बाई वी लिखा होता है, आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो मेडिसिनल इंडस्ट्री में इसका भी यूज होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बेस में कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दे रहा हूँ, ये दोनों टॉपिक सही समझ लीजिए, फिर आगे हम लोग कल नॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बारे में पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए, और पीपीएम के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए लाइक और कमेंट ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जरूर करिए। करने से क्या होता है कि चीज़ें अपने आप, हमें लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। वीडियो का व्यूज परसेंटेज थोड़ा सा कम है, रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट, लॉकडाउन की कंडीशन में आपके लिए अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी पूरा एफर्ट करना चाहिए। आप घर पे पढ़िए, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर करिए, आप परेशान ना हो, इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको भी न्यूमेरिकल दो चार देता हूँ वो करके देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, आइए।